यमुना छप के पद्यांशों पर अर्थग्रहण संदर्भित प्रश्नोत्तर। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनह सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, करय प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लहत। पद्यांश को पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम बताएं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित कविता यमुना छप से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने यमुना नदी किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों का वर्णन किया है, जिन्हें देखकर कवि के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न छायाचित्र निर्मित होते हैं। यमुना नदी किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है? नदी किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे तमाल के वृक्ष यमुना नदी को स्पर्श करना चाहते हों, या फिर वे झुककर नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हों। कभी कभी कवि को ऐसा लगता है मानो वे नदी के तट को धूप से बचाने के लिए उसे छाया प्रदान कर रहे हों, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है, जिसने काव्य की शोभा बढ़ा दी है। तरन तनुजा तटतमाल में तवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, सब निज निज शोभा में निज निज की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, व मनु आतप वारण तीर को में उत्प्रेक्षा अलंकार है। संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। तरन तजुट तनुजा व तट शब्दों के दो दो पर्यायवाची, तरन तनुजा यमुना कालिंदी तट तीर। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल मय बहु साजत। मनुषसि भरि अनुराग जामुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलौले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलात को ब्रजर मनी जल आवत। पद्यांश को पढ़ें, उत्तर दें। कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? कवि जब यमुना नदी के जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखता है तो कभी उसे लहरों पर सौ सौ चंद्रमा दिखाई देते हैं, कभी वह उसे दूर जाकर अदृश्य हुआ अनुभूत होता है, कभी वह उसे जल में झूला झूलते हुए प्रतीत होता है, तो कभी उसे उसमें बच्चे द्वारा उड़ाई गई पतंग की अनुभूत होती है। कह बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। कवि यमुना के जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना करते हुए कहता है कि यमुना की लहरों पर चंद्रमा का हिलता हुआ प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी बच्चे की पतंग आकाश में हवा के जोर से इधर उधर हिल रही हो। पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। पद्यांश में कवि भारतेंदु ने यमुना के जल पर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का वर्णन किया है। चंद्रमा का यह रूप कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसे देखकर कवि के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं प्रकट हो रही हैं। पद्यांश के शिल्प पक्ष पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए मुक्तक शैली में काव्य रचना की है। जल पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का वर्णन करते हुए पद्यांश में श्रृंगार रस की प्रधानता विद्यमान है। मनुषसि भरि अनुराग में उत्प्रेक्षा अलंकार व सोहत इत उत धावती में तवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण व लक्षणा शब्द शक्ति भी काव्य में विद्यमान है। सस व नव शब्दों के दो दो पर्यायवाची, सस राकेश चंद्रमा, नव आकाश गगन। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जामुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत सस अभिकल।
कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धर रूप मिलन हित तासो धावत। कै बहुत रजत चकई चालत कै फुहार जल उछरत, कै निष्पति मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। कुजत कहु कलहंस कहु मज्जत पारावत, कहु कारंड उड़त कहु जल कुकुट धावत। चक्रवाक कहु बसत कहु बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहु पियत कहु भ्रमरावली गावत। कहु तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय तरत। पद्यांश को पढ़ें उत्तर दें। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कब किससे करता है? यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कभी माह के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष से करता है। कभी कहता है कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष के कारण चारों ओर उजाला हो गया हो, और छिपने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया हो। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धर रूप मिलन हित तासो धावत। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रत्येक लहर के साथ चंद्रमा की छवि दिखने के कारण कहता है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चांद यमुना में उठने वाली प्रत्येक लहर से मिलने के लिए उतने ही रूप धारण करके उसके पीछे उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पक्षियों की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि पक्षियों की शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि यमुना के जल में विभिन्न पदी राजहंस कबूतर जलमुर्गियों चखवा चकी बकुले तोते कोयल मोर भौंरे आदि इधर उधर विहार कर रहे हैं। कोई स्नान कर रहा है, कोई गति गीत गा रहा है और कोई नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार कवि ने पक्षियों के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन किया है। पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। पद्यांश में अलंकारों का प्रयोग उसके शिल्प एवं भाव पक्ष में सौंदर्य उत्पन्न कर देता है। पद्यांश में जात जमुन जल व कुजत कई कलहंस कहूँ में क्रमशः ज व क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तितनो ही धरि रूप मिलन हित तास धावत में मानवीकरण, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष में उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। कालिंदी व सुक शब्दों के दो दो पर्यायवाची, कालिंदी यमुना सूर्यसूत सूर्यसूता सुक तोता सुग्गा।